नमस्ते, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल के लड्डू, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने मूंग दाल, 2 कटोरी के बराबर है ये। तो इसको मैं पहले ड्राई रोस्ट करूँगी। तो आप इसको धीमी आंच पे, जब तक ये ब्राउन कलर के ना हो जाए तब तक इसको ड्राई रोस्ट करते रहिए। और यहाँ पर ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं तो मैंने इसको निकाल लिया है। तो और इसको अब हम होने देंगे ठंडा, और उसके बाद बना लेंगे मिक्सी में इसका पाउडर। तो अब मैंने दोबारा इसको चढ़ा लिया है, तो और उसमें ऐड किया है मैंने घी। तो इसको अब मैं घी में भूनूंगी धीमी आंच पे। तो घी उतना ही लीजिए जितना इसमें आए, ज़्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैंने घी 4 चम्मच के करीब यहाँ पर ऐड किया है, और इस तरह ये मेरा बन चुका है। अब इसको कर लेंगे ठंडा। ठंडा होने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पर मैं पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से करिए, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा। तो इस तरह इसके लड्डू अब हम यहाँ पर बना लेंगे। अगर आपको इसमें ड्राई फ्रूट डालना है तो आप ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं पीस के। तो यहाँ पर मेरे बन चुके हैं लड्डू, मूंग दाल के लड्डू। बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज रेसिपी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। Thank you.